बताया जा रहा है कि पत्रकार सुधीर सैनी अपनी बाइक से सहारनपुर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक कार उनकी बाइक से छूती हुई चली गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने लोहे के रॉड से हमला कर दिया। पत्रकार को गंभीर चोट आई जिसमें सुधीर की मृत्यु हो गई है। तो पत्रकार की लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दो हमलावरों को गिरफ्तार किया है। तो जहां ये चुनाव कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आना अपने मोटरसाइकिल से सहारनपुर की तरफ आ रहे थे, उनके साथ ही एक आल्टो कार भी आ रही थी जिसमें तीन व्यक्ति सवार थे। इनका आपस में ओवरटेक को लेकर झगड़ा हुआ है। कार सवार व्यक्तियों ने सुधीर के साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान सुधीर को चोटें आई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कार सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो दो हमलावरों को पुलिस कह रही कि गिरफ्तार कर लिया गया है। बाइक से मामूली टक्कर के बाद विवाद। अब हालांकि सिर्फ बाइक से मामूली टक्कर होती है, उसके बाद क्या विवाद इतना बढ़ जाएगा या इतना बढ़ जाता है कि लोहे की रॉड से पीट पीट कर इस पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने फिलहाल दो हमलावरों को गिरफ्तार तो किया है, फिलहाल तो मामूली टक्कर बताया गया। इसके अलावा कोई और मामला, जिस तरीके से हत्या कर दी गई, दो हमलावरों को गिरफ्तार किया गया, जैसे कि हमारी संवाददाता बता रही है कि वो फिलहाल नशे में बताए जा रहे हैं और दो की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुधीर जो कि वही लोकल स्थानीय पत्रकार थे।